इंटरवुड को मैंने 2000 में ज्वाइन किया था एज ए ऑफिस बॉय, और मैंने 2 से 3 साल तक मैंने एज ए ऑफिस बॉय इंटरवुड की खिदमत की, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और मैंने जो यहाँ के सीईओ हैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं कुछ करना चाहता हूँ और मुझे इसका मौका दिया जाए, तो उन्होंने मुझे मेरे साथ तामन किया और मुझे एक मौका फराहम किया। और मुझे उस वक़्त जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑफिस बॉय था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ तो मुझे डिज़ाइनिंग का बहुत पैशन था, तो मैंने डिज़ाइनिंग के कोर्स किए, और फिर एज ए ऑटोकैड ऑपरेटर मैंने ज्वाइन किया डिज़ाइन डिपार्टमेंट में। उसके बाद डिपार्टमेंट में मैंने ज्वाइन करने के बाद कुछ परफॉर्म किया, काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे निकलता गया। किचन डिपार्टमेंट में काम किया, डोर डिपार्टमेंट में काम किया, ऑफिस फर्नीचर में काम किया, एंड वार्डरोब सेक्शन में मैंने काम किया, और मैं एज ए ऑफिस बॉय से एज ए डिज़ाइनर बन गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे काफ़ी मौका मिला, फिर मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी में अप्लाई किया सऊदी अरब में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला और वहाँ भी मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली। लेकिन वो कैसे मिली, वो बेस्ड ऑन इंटरवुड और इसकी मैनेजमेंट, इनकी मैनेजमेंट ने मुझे हौसला अफजाई की और फिर मैं आगे निकला अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा दूसरे लोगों को भी ये पैगाम है कि मेहनत करें और सीधा चलें, जिगजैग ना चलें, जिससे थोड़ी अगर आप जिगजैग चलेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। स्ट्रेट चलेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कहीं ना कहीं पहुँचा देगा जो आप, जिसकी आप डिज़ायर या जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे होंगे कि मेरा ये पॉइंट है। लेकिन आगे निकलने के लिए आपको टारगेट्स फ्रंट पे रखने पड़ेंगे, अगर आपके पास टारगेट्स नहीं होंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो मैं उन लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ जो कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि सबसे पहले अपने टारगेट्स को अपने माइंड में रखें और फिर उस टारगेट पर पहुँचने के लिए स्ट्रेट, सीधा, ईमानदारी और मेहनत से काम करें ताकि आप वहाँ पर पहुँच सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए ऑफिस बॉय से राइट नाउ आई एम डूइंग एज ए डिज़ाइनर एंड कोर्स एस्टिमेशन का काम कर रहा हूँ एज ए हेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट क्या कहते हैं फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मेरा उन सब नए जो काम करने वाले हैं उनको मशवरा है कि आप लोग मियाना रवि से, मेहनत से काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको वहाँ तक ले जाएगा। मैंने इंटरवुड में एज ए ऑफिस बॉय तकरीबन 3 साल काम किया। 3 साल काम करने के बाद मैंने सीईओ साहब से रिक्वेस्ट की कि मैंने मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि आगे निकलूँ। तो उन्होंने मुझे मौका फराहम किया, तो फिर उन्होंने मुझे वेयर हाउस में भेजा कि हम आपको ट्राई करते हैं आपकी, कि आप क्या हमें कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे ताकि हम आपको सोचें कि हम आपको आगे लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मैंने वेयर हाउस में काम किया और मैंने वहाँ बहुत कुछ करके दिया, जिससे सीईओ साहब काफ़ी इम्प्रेस हुए। इम्प्रेस होने के बाद फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे तो शौक था, पैशन था डिज़ाइनिंग का, तो मैं वहाँ मूव होना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा, इंस्ट्रक्शन दी कि आपके पास तो कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स ही नहीं है, ना आपने एजुकेशन उसकी हासिल की। तो फिर उन्होंने मुझे मशवरा किया कि आप पहले वो सीख लो, स्टडी करो। तो फिर मैं क्या करता था कि नाइट को ऑफिस छोड़ने के बाद मैं नाइट को जाता था स्टडी करने के लिए, जिसमें आर्किटेक्चर के बारे में पूरा मैं स्टडी करता था ऐसे प्राइवेट कॉलेज में। तो वहाँ से मैंने आर्किटेक्चर के बारे में सीखा, इंटीरियर के बारे में सीखा, ठीक है। तो फिर तकरीबन कोई साल काम करने के बाद इन्होंने मुझे डिज़ाइन में शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह सो ऑन। फिर मैंने तकरीबन 2 साल तक डोर्स डिपार्टमेंट में काम किया एज ए डिज़ाइनर। फिर मैंने किचन में भी साल लगाया, उसके बाद मैंने ऑफिस फर्नीचर किया, होम फर्नीचर किया, और फिर मैंने साइट पे इंस्टॉलेशन का काम भी मैंने किया कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, बनता कैसे, प्रोडक्शन में भी काम एज ए क्या कहते हैं प्रोडक्शन में भी मैं लुक आफ्टर करता था कि कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या प्रोसीजर है स्टेप बाई स्टेप।
तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वन बाई वन मैंने हर चीज़ को सीखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मुझे मैं हर काम आराम से कर सकता हूँ। मैंने डिज़ाइनिंग में इंटरवुड में काम किया तकरीबन कोई चार तकरीबन सात आठ छः साल काम किया मैंने। हाँ, 3 साल मैंने फैक्ट्री में काम किया जिसमें प्रोडक्शन का प्रोसेस का सारा मुझे पता चला कि मतलब डिज़ाइन से लेकर प्रोडक्शन तक। उसके बाद शोरूम पे चला गया जहाँ पे शोरूम को प्रेजेंटेशन बना के देनी होती है कि आपको कस्टमर अगर आपसे पूछता कि आपको कैसे डिज़ाइन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग मतलब कोई कस्टमर हमारे पास आता है तो वो रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग किचन डिज़ाइन करना है या वार्डरोब डिज़ाइन करनी है, तो हम उनको प्रपोज करके देते हैं कि किस तरीके से आपकी कबर्ड या किचन आपका बनेगा, ठीक है। हम उसको प्रेजेंटेशन पूरी बना के देते हैं, मटेरियल के बारे में बताते हैं कि आपका किचन बनने के बाद किस तरह का होगा, तो इस तरह से हम क्लाइंट को बताते हैं। उसमें यह है सर कि मैंने जब ऑफिस बॉय से स्टार्ट काम किया तो जब मैं काम करता था बहुत सारे लोग जो ना हुटिंग करते थे कि ये क्या कर रहा है, जो मेन चीज़ है जहाँ से मुझे आगे निकलने का शौक हो गया यार, ये मैं बात सुनना नहीं चाहता किसी की, ठीक है, कि यार ये ऑफिस बॉय लगता है ये यही करेगा। लेकिन मैं पढ़ा लिखा था, मैं दूसरे लोग मेरे से कम पढ़े थे लेकिन वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए थे, लेकिन मैं पढ़ के था लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं था कि मैं कहीं जा सकूँ, ठीक है, मैंने एफए किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे मेरे साथ वाकया पेश आया कि एक बंदे ने मुझे बोला ऑफिस के कि यार ये क्या कर रहा है, ये लगता ऑफिस बॉय ऐसे रहेगा, उस बात ने मुझे इस तरह हिट किया कि मेरा दिल किया कि अब जो है ना मैंने ये नहीं काम करना। फिर मैं साथ साथ पढ़ता भी रहा आर्किटेक्चरल में। उसके बाद जो सीईओ साहब हैं उस दौर में इनके पास कुछ बुक्स थी जो इन्होंने मुझे दी कि ये स्टडी करो, जिसमें बुक्स के बारे जिसमें क्या कहें वुड के बारे में लिखा हुआ था कि जैसे कौन सी वुड मतलब इसकी रूट्स कितनी होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स की पूरी डिटेल बताई हम लोगों को जो मैंने स्टडी की, जो कि सीईओ साहब ने मुझे दी, ठीक है। तो उसकी फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर ये वो क्या कहते हैं जब उस बंदे ने मुझे कहा कि ये करेगा, ये उस वर्डिंग से ये मैंने अपने दिल में किसी से शेयर तो नहीं किया लेकिन मैंने ये अजम कर लिया कि मैंने ये काम नहीं करना और मैंने आगे निकल के दिखाऊँ, कुछ बन के दिखाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आराम से इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कर सकता हूँ। मेरा उनको मशवरा ये फर्स्ट ऑफ ऑल कि मायूसी का जो है ना वो ये कोई सलूशन नहीं है, ठीक है, तो मायूसी जो है ना ये नहीं आनी चाहिए बंदे में, ठीक है, उसका हौसला पुख्ता होना चाहिए और उसमें ये जो उसमें ये पैशन होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है और सीधा चलना है और टारगेट ज़रूरी है। अगर टारगेट उसके पास है तो इंशाल्लाह वो किसी दौर पे वो जो उसके टारगेट है वो अचीव कर लेगा, लेकिन उसके लिए मियाना रवि पुख्तगी और सीधी राह बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके बगैर वो कोई भी किसी भी टारगेट तक नहीं पहुंच सकता। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और उन टारगेट्स को जो उसने अचीव करने हैं उनके ऊपर उनको फॉलो करना है और उसी लाइन में चलना है, ये नहीं कि टारगेट्स कुछ और हैं और कार्य कुछ और। मैं इंटरवुड के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको ये मशवरा देता हूँ, ये उमर साहब जो हैं जो इंटरवुड के सीईओ हैं वो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके साथ काफ़ी देर काम किया है, मुझे उनका बड़े अच्छे तरीके से पता है, वो लोगों को आगे लाना चाहते हैं, ओके, और आगे बंदा तभी आता है जब दूसरा बंदा भी रिस्पॉन्स करे, अगर एक ही बंदा जोर देगा तो फिर दूसरा कभी भी आगे नहीं निकल सकता। अगर कोई रिस्पॉन्स कर रहा है और आपके क्या कहते हैं बड़ी पर्सनैलिटी आपको कह रही है तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए, ओके, और इंटरव्यू के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉलिड तरीके से उनको पकड़ें और उसी तरीके से चलें ताकि वो किसी लेवल पे पहुंच सके। और ये इंटरव्यू जो है ये बहुत क्या कहते हैं लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरी कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं थी, मैंने यहीं से सीखा सारा कुछ, मैंने कहीं से नहीं सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बल्कि इंटरव्यू की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, अगर मैं इंटरव्यू भी देने जाता हूँ तो वो इंटरव्यू मेरा नहीं लेते, वो मुझे जॉब पे रख लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये है कि जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय हैं वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें स्ट्रॉन्गली और जो भी सीईओ साहब कहते हैं उसको फॉलो करें, अगर कोई गुस्सा करते हैं व्हाटएवर तो वो उनकी क्या कहते हैं उनको पॉलिश कर रहे होते हैं, ना कि उनको गलत तरीके से लेना चाहिए। तो ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन लोगों को भी आगे करेगा जो आगे निकलना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।